हेलो गाइस, एक जरूरी सूचना। कल है दिवाली और कल मैं लाइव आने वाला हूँ फेसबुक पर। तो जिस जिसको मेरी दिवाली देखनी है, सेलिब्रेट करनी है मेरे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है फेसबुक का। फेसबुक पर मैं लाइव आऊँगा, प्लीज़ जाके पेज को फॉलो करें। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पूरी देखना, और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी को हैप्पी दिवाली, छोटी वाली हैप्पी छोटी दिवाली। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30, अभी हम सो के उठे हैं क्योंकि हमारी बॉडी पूरी दर्द कर रही थी क्योंकि कल इंजेक्शन लगाया था इसलिए। मैं मना कर रही थी आपसे। तो अब छुटकारा तो मिल गया ना, अब करो ना, हमारा बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मैं तुम कोरोना की दादी हो ना। तो और लग गई। तो अब क्या करते हैं कि आज छोटी दिवाली है तो आज हम कहीं जाने वाले हैं आप सबको लेके। तो आप सब साथ चलिए और कमेंट में बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए सबको, हमको भी और हम जहाँ जाने वाले हैं उनको भी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। 1:30 बज गया, नहा ले हो? ससुराल में कौन 1:30 बजे तक नहीं नहाता, देख लो। तो मत नहाओ। देखो मैं कल रात को नहा लिया था। तो अब जाते हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने और नहाने। अरे अरे अरे, क्यों? ये क्या कर रहे हो? पहले खा ले तो फिर बताऊंगा। काजू कतली। इस शर्म कर लो यार, ऐसे खा रहे हो। ओ बिस्किट। ओ तो गाइस, आज दो भैया और एक भाभी आए थे और हमें काजू कतली और महंगे महंगे बिस्कुट देते थे। थैंक यू सो मच मैम। तो आज स्वाति जा रही है, मम्मी जा रही हैं, जा रही हैं बड़ी खुश। अरे मेरी बहू है। कभी कभी ना मेरे को फील आ जाता है, तब मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है मेरी बहू है, और कभी कभी फील ही नहीं आता। मेरी बहू है ना। तो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं कंबल लेने के लिए। आज हम कंबल कहीं देने जा रहे हैं। तो कितने लोग हैं पापा जी? कम से कम 50-70। हाँ चलो, अब पापा ने 70 बोल दिया, 70 लेंगे। कन्हैया हैंडलूम औरैया में है, यहाँ पे हम कंबल लेने आए हैं, चादर लेने आए थे। चादर ले रहे हैं बढ़िया क्वालिटी में। तो कंबल ले लिए हैं, कंबल देने जा रहे हैं आज हम लोग। तो अब बारी है इमरती लेने की, इमरती लेने आए हैं। तो सब सामान पैक हो गया है, मम्मी पापा और स्वाति ऑटो से निकल गए हैं और हम लोग आ रहे हैं बाइक पे। तो हम वृद्धाश्रम आ चुके हैं। तुम कहाँ से आए? तो गाइस, आज हम वृद्धा आश्रम आए थे कंबल लेके और मिठाई लेके, आज इनके साथ दिवाली मनाएंगे। तो पापा का नाम लिखवा रहा हूँ। तो आप लोग दिल से इन्हें दुआएं दीजिए कि ऐसे में लोग आते रहे। वृद्धाश्रम के शुक्ला जी एवं प्रबंधक जी, दीपावली के अवसर पर और जो हमारे बीच में मौलिया बताना चाहता हूँ।
अब हम सारे बाबा दादी के साथ फुलझड़ी जलाएंगे। आ जाओ। किसको नहीं मिला? हैप्पी दिवाली आप सभी को। बहुत अच्छा लगा। तो अब जाने वाले हैं वापिस। हैप्पी दिवाली। कोई नहीं बोला। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबा। हैप्पी दिवाली दादी। हैप्पी दिवाली दादी। खूब रुपया पैसा मिले साथ। हमेशा यही आऊंगा फिर मैं। ये बहू है। सब कुछ पहले है। मैं हमेशा यही आऊंगा। हैप्पी दिवाली दादी। दादी ने बंदूक चलाई। ये मेरी बहू है। ये मेरी बहू है। हैप्पी दिवाली दादी। हैप्पी दिवाली मम्मी। हैप्पी दिवाली बाबा। हमेशा आएंगे अब हम। चलो बेटा खूब सुखी रहो। बस कृपा बनाए रखना। तो ये पहला मौका था तो आज आए हैं हम। अच्छा लगा। अब हमेशा ऐसे आते रहेंगे। हैप्पी दिवाली दादी। हमेशा आते रहेंगे। आप सब ऐसी प्यार बरसाते रहिए। ऐसे नहीं गिरने दूंगा दादी। तो ऐसे ही आते रहेंगे। आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू। वापिस जाने वाले हैं। चलो स्वाति तुम बाइक पे चलना मेरे साथ। तुम बाइक बैठो ये ऑटो में। अच्छा लगा अंकल। हैप्पी दिवाली आपको भी। ये अंकल जी पहली बार मौका है। हमेशा आते रहे। पहली बार तो कोई भी काम होता है। हाँ सही बात। उसके बाद सही बात। बहुत अच्छा। इसका नाम क्या है? हैरी। हैरी। हैप्पी दिवाली। अब रो रही है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं घर। उसके आगे मिलते हैं आपसे। घर पहुँच रोना मत। बहुत अच्छा लगा। मतलब दिल को इतनी खुशी मिल रही है। तो आज हमारे यहाँ गोबर का दिया बनाया जाता है और जलाया जाता है। अभी मम्मी बना रही हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज दिया लग गया है हमारे घर में गोबर का। तो इसका मतलब दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। आज से दिए जलाने शुरू हो गए। इसका मतलब दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ गोबर का दिया जलाया गया था। और यहाँ देखिए। अरे ऊपर कभी मेरा आईफोन जलाऊगी। हैप्पी दिवाली मोती भी पापा को हैप्पी दिवाली बोल रहा है। हैप्पी दिवाली मोती। नॉट इंटरेस्टेड। हैप्पी दिवाली। खुश रहो। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली। खुश रहो। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली। खुश रहो। खुश रहो।
हैप्पी दिवाली, खुश रहो, वो भी हैप्पी दिवाली कर रहा है, सेम टू यू। स्वाति आज रो रही थी जब मम्मी पापा की याद आ रही थी, कह रही पहली बार में मम्मी पापा से की शादी के बाद, मतलब हमारा जो अधिकार था हमसे ज्यादा इनके पापा का तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, और इनके ऊपर आपका? इनके ऊपर मेरा, मतलब अच्छा। उनसे ज्यादा बड़े माँ बाप हम धर्म के माँ बाप हैं। अच्छा। उन्होंने, वे जन्मदाता हैं, हम धर्म के माता पिता हैं इनके, ऐसे ही हम तुम्हारे धर्म के पिता हैं। तो तुम ऐसा करो स्वाति, तुम यहाँ दिवाली मनाओ, मैं हूँ अपने पापा के पास जाऊँ। वो धर्म, हाँ वो आपके धर्म के पिता है। हैप्पी दिवाली मोती, तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 और अब मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ, और हैप्पी दिवाली आप सभी को एडवांस में। नींद आ रही होगी, सो जा, हट। तो कैसा लगा आज आप लोगों को? हमें बहुत अच्छा लगा, और क्या बोलूं मेरे पे तुम बोल दो लाइक। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि गाइस जो भी है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी है जो अपने माँ बाप को ऐसे वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं वो ऐसा ना करें। गाइज आज हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए। मेरा ये पहला मौका था कि जो मैं कैमरे में लेके आया हूँ, नहीं तो मैं कभी ऐसे जो भी मैं, मतलब अच्छे काम है वैसे ये जो भी मैं करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने आज अच्छा काम किया, बट जो भी मैं करता हूँ वो मैं कभी दिखाता नहीं हूँ कैमरे में, लेकिन इस बार स्वाति ने बोला कि आप दिखाओगे तभी तो लोग और जागरूक होंगे। और अगर आपको ये दिखावा लगता है तो मैं ये चाहती हूँ आप भी ये दिखावा करो। अरे क्या बात, हाँ आप भी दिखावा करो, बट अपने मम्मी पापा को भी वृद्धाश्रम मत छोड़ो यार। हाँ कभी नहीं, लव यू, हैप्पी दिवाली। गाइज दिवाली वाले दिन मैं लाइव आऊंगा 7:00 PM, नीचे फेसबुक पर, फेसबुक का नीचे लिंक है पेज का, जाके जल्दी से फॉलो करें। टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली।